नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहब के कपाट 22 मई को इस बार आम श्रद्धालु के लिए खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिद्रा ने बताया कि विश्व भर से हेमकुंड साहब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु के लिए 22 मई रविवार सुबह 10:30 बजे खोल दिए जाएंगे। बता दें कि हेमकुंड साहब व गंगारिया का पर्याप्त स्टाफ व मजदूर गोविंद घाट तक पहुंच चुके हैं और 14 अप्रैल को स्टाफ गंगरिया पहुंचेगा। बड़ी बात तो ये है कि इसी दिन से सेना भी बर्फ हटाने का कार्य शुरू करेगी। हेमकुंड साहब लोकपाल यात्रा से पूर्व गोविंद घाट पुलना सड़क मार्ग की मरम्मत व गोविंद घाट में पार्किंग को भी दुरुस्त किया जाना है। गौरतलब है कि अभी भी हेमकुंड साहब में थोड़ी बहुत बर्फ देखी जा सकती है। हालांकि आजकल हेमकुंड साहब में मौसम काफी अच्छा सुहावना बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड साहब का नजारा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से हेमकुंड साहब बर्फ की चादरों के बीच कितना खूबसूरत नजारा आ रहा है। कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 2 वर्ष से उनके रोजगार पर काफी असर पड़ गया था और इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। आपको बता दें कि हेमकुंड साहब की यात्रा पर हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में हर दिन तीर्थयात्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। के निरीक्षण के पश्चात उत्तराखंड प्रशासन से विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहब जी के कपाट 22 मई दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे खोल दिए जाएंगे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा अपनी सभी धर्मशालाओं में रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। भारतीय सेना दूसरे सप्ताह में अप्रैल के अपना बर्फ कटान का कार्य प्रारंभ कर देगी। स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं गुरुद्वारा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी व सेवादार श्री हेमकुंड साहब यात्रा को सुगम बनाने के हेतु पूर्ण रूप से तत्पर है।